हेलो रिवन, आज मैं आपको उन क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी जिनसे आप एस्थमा को हील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रेसलेट दिखा देती हूँ। ये ब्रेसलेट है जो एस्थमा को हील करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आपको यदि ये ब्रेसलेट परचेज करना हो सो मेरे ऑनलाइन क्रिस्टल स्टोर है, वहाँ जाके आप ये परचेज कर सकते हैं। सर्च करिए क्रिस्टल ब्रेसलेट फॉर एस्थमा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि यदि आपको खुद से क्रिस्टल्स चूज करने हैं एस्थमा के लिए, तो अभी जो क्रिस्टल्स बता रही हूँ उनमें से कोई भी क्रिस्टल्स जिसको आपका इंट्यूशन गाइड करे उन क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हैं आपके एस्थमा को हील करने के लिए। सबसे पहला क्रिस्टल है एम्बर, ठीक है। एम्बर एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। फिर एमेथिस्ट, जिसको एक मास्टर हीलर भी कहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे से हायर चक्रा जो है हमारे थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो एमेथिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एमेट्रिन, देन आयरन पायराइट। आयरन पायराइट जिसको हम अबंडेंस पाउच में भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं, बट हीलिंग वाइज भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर एक क्रिस्टल है मैलाकाइट। मैलाकाइट जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, ठीक है। सो इसलिए उसको यदि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यदि उस क्रिस्टल को यूज़ करना है, ठीक है, सो उसको पॉलिश्ड फॉर्म में ही यूज़ करिए एंड कुछ समय के लिए ही, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ करिए। और मैं मैलाकाइट को कभी भी एलेक्सिर फॉर्म में नहीं यूज़ करिए ऐसा बोलती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हीलिंग के इतने वेज होते हैं, इतने ब्यूटीफुली हम क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ नहीं यूज़ करने चाहिए। सो एलेक्सिर फॉर्म में तो बिल्कुल भी मत यूज़ करिए मैलाकाइट को, केवल पॉलिश क्रिस्टल में फॉर्म में यूज़ करिए एंड लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। फिर अगला एक क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज एक बहुत ही सूदिंग लव एनर्जी स्प्रेड करता है, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए बहुत अच्छा है। सेम वैसे ये भी एक मास्टर हीलर कैटेगरी का क्रिस्टल है। देन एक और क्रिस्टल है रोडोक्रोसाइट, ठीक है। वो भी अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है। फिर अगला एक क्रिस्टल बता रही हूँ जो थोड़ा स्ट्रांग है, वो है टाइगर आई। टाइगर आई मैं इतने जल्दी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ, जो कि सोलर चक्रा को हील करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। बट उसकी एक खासियत है कि कई बार जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा आने की आदत होती है, उनको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि वो टाइगर आई यूज़ करें। ऐसे केस में आप सोलर चक्रा के कोई माइल्डर क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड इमोशंस है, पेंट अप इमोशंस है जो एग्रीवेट हो सकते हैं, सो पेंट अप इमोशंस हैं, तो आप टाइगर आई यूज़ मत करिए, कोई माइल्डर स्टोन यूज़ करिए सोलर चक्र के लिए। अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ टाइगर आई यूज़ करना चाहिए एंड आप बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, देन यू कैन ट्राई, ठीक है। अब ये तो मैंने क्रिस्टल्स की बात बताई, अब यदि आपको चक्रास में हील करना है सो कौन से चक्रास को सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है एस्थमा के लिए। सो उसमें आपने सबसे ज़्यादा हीलिंग देनी है सोलर प्लेक्सस चक्रा को और हायर हार्ट चक्रा, ठीक है। आप देखेंगे मैंने जो क्रिस्टल्स भी बताए हैं उसमें सोलर प्लेक्सस रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, हायर हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, इन सब के भी क्रिस्टल्स हैं। कुछ एमेथिस्ट और एमेट्रिन, ये सब ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, मास्टर हीलर इसमें भी। सो इस तरह से इन सब क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब आपने क्या करना चाहिए, वन वे इज़ कि आपको यदि वो ब्रेसलेट परचेज करना हो सो मेरे स्टोर पर जाके ब्रेसलेट परचेज कर सकते हैं। अदर वे इज़ कि मैंने जो अभी क्रिस्टल्स बताए हैं उनमें से कोई भी क्रिस्टल जो आपका इंट्यूशन गाइड करता है वो आप यूज़ कर लीजिए। थर्ड वे इज़ कि आप मेरे कस्टमाइज क्रिस्टल सॉल्यूशन ले लीजिए, जिसमें आपके इंबैलेंस के हिसाब से मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी, ठीक है। अदरवाइज आपको यदि आपकी क्रिस्टल हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, देन यू कैन ज्वाइन माय मिनी क्रिस्टल हीलिंग मिनी कोर्स, ठीक है, जो फ्री है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो विच एवर वे स्टार्ट यूजिंग क्रिस्टल्स और आपके लाइफ को बेनिफिट करते रहिए क्रिस्टल्स के थ्रू। थैंक यू।